वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. चलिए आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस स्टडीज. अब एक बात समझिए, क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज कैसी लगती थी? क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज कैसी लगती थी? बढ़िया लगती थी. ठीक है, नहीं नहीं सच सच बोल सकते, कोई बात नहीं. बेकार लगती थी? बेकार. अब एक बात समझिए, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा पेपर है विच विल आइदर इम्प्रूव योर परसेंटेज या फिर बिल्कुल हाल खराब करेगा. बिजनेस स्टडीज के बीच के बच्चे नहीं होते ऐसे, सर ठीक ठीक, या तो फोड़ते हैं पेपर या फिर सबसे हाल खराब होते हैं. ये एक्चुअल बात है ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज की. आप अपने सीनियर से भी पूछेगा कि बिजनेस स्टडीज एक ऐसा पेपर है जो रिजल्ट खराब करता है और जो सबसे ज्यादा डर लगता है. इसका ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि करेक्ट. तो भाई इसका रीजन ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बात समझिए, सबसे ज्यादा साल भर में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? अकाउंट्स. मैथ्स है तो आप मैथ्स पढ़ोगे, ऑब्वियस बात है. अकाउंट्स है तो उसके बाद अकाउंट्स पढ़ोगे. फिर इकोनॉमिक्स पढ़ो नहीं पढ़ो, थोड़ी तो इंटरेस्टिंग कंपैरेटिवली लगती है तो इकोनॉमिक्स बच्चा पढ़ लेता है, और इंग्लिश बचपन से पढ़ते आते हैं तो सेम रहती है, लिटरेचर चेंज होती है. सबसे कम बच्चा टाइम किस पे डिवोट करता है? बिजनेस स्टडीज पे. और नेचुरली बात है ऑब्वियसली फिर उसके सबसे कम मार्क्स भी उसी में आते हैं. क्यों? क्योंकि उसको हमने सबसे कम पढ़ा है. अब एक बात, क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज क्या थी? वो हमें बताती थी बिजनेस क्या है, बिजनेस बनता कैसे. ये हमारे को क्लास 11th ने बताया. क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज इज सुपर इंटरेस्टिंग. व्हाई इट इज सुपर इंटरेस्टिंग? बिकॉज क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज आपको बताएगा, क्या बताएगा? बिजनेस चलाना कैसे. अब चलाना कैसे इज टोटली डिफरेंट एंड प्रैक्टिकल. बिजनेस चलाना कैसे हम पूरा पढ़ेंगे कैसे, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ. दूसरी बात, एक और दूसरा रीजन ये होता है, सर बिजनेस स्टडीज के लिए टाइम नहीं है. क्योंकि सर हमारे लाइफ में थोड़े ऐसे ऐसे शौक हैं जिनके लिए टाइम देना जरूरी है. पढ़ाई वढ़ाई की बात कर रहा हूं. तो अब अगली बात, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है. मुझे आपके वीक में कितने आवर्स चाहिए? केवल 3 आवर्स. 3 घंटे चाहिए होंगे, 3 क्लास होगी हफ्ते में ऑल्टरनेट, आइदर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे. ऐसे 3 आवर्स वीक क्लास होगी. और उस 3 आवर्स में अगर आप रेगुलर आए हो और क्लास में अटेंटिव हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं कभी भी आपको ये भी नहीं बोलने वाला घर जाके पढ़ो. बस एक दिन बोलूंगा पढ़ने को घर जाके, जब उस चैप्टर खत्म होने का तो उस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट दूंगा जो आपको घर जाके करनी होगी. हम कैसे पढ़ेंगे? हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक समझेंगे, उस टॉपिक समझने के जस्ट बाद क्वेश्चन करेंगे क्लास के अंदर. ये मेरी बुक है, 2 बुक्स है बिजनेस स्टडीज की क्लास 12th में. पहली बात तो ये, इट इज नॉट लाइक 11th बिजनेस स्टडीज जहां पे केवल एक ही किताब थी, वहां एक भारी पड़ती थी, यहां पे 2 है. चैप्टर कितने वो मैं बताऊंगा. कितनी बुक्स हैं? 2. दिस इज मॉड्यूल 2. तो मेरी बुक आप देखोगे तो एक तो पहली बात ये एक ऐसी बुक है जो देखकर पढ़ने का थोड़ा तो मन करेगा क्योंकि कलरफुल है. दूसरी बात, पूरे चैप्टर्स के जो पूरा मटेरियल है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. स्कूल 11th में क्या होता था? स्कूल में कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, फिर टीचर ने कोई टॉपिक करा दिया, कोई टॉपिक हटा दिया, बहुत दिक्कत होती थी. लेकिन 12th में ऐसा कुछ नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि 12th में पेपर कौन बनाने वाला है? बोर्ड, सीबीएसई. और सीबीएसई क्या फॉलो करता है? एनसीईआरटी. तो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. बुक के अंदर चैप्टर पूरा, चैप्टर के साथ मीम्स भी है तो पढ़ने में अच्छा लगेगा. यस. दूसरी बात, हर टॉपिक के बाद यू विल फाइंड क्वेश्चन जो हम क्लास में करेंगे. चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद देर आर एक्स्ट्रा केस स्टडीज एंड देर इज एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक ऑल्सो. इसके अलावा मैं आपको क्या दूंगा? एक प्रैक्टिस शीट जो आपको घर जाके करनी होगी. इसके अलावा जो सारी चीजें वो मैं आपको क्लास के अंदर ही कराऊंगा, वो मैं आपको क्लास के अंदर ही कराऊंगा. तो इतनी तरीके से करेंगे कि ये आपका क्लास के अंदर ही खत्म हो जाएगा. इन शॉर्ट 3 आवर्स अ वीक आपका बिजनेस स्टडीज का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है क्या? ये तो ही बात, कैसे पढ़ेंगे क्या, आपको एक सेपरेट रजिस्टर इसका भी बनाना पड़ेगा. अब अगली बात, सर 12th बिजनेस स्टडीज में है क्या क्या? अभी तो हमने बोला 1 बुक है, 2 बुक है, तो भाई 12th बिजनेस स्टडीज वही करिकुलम कैसा है, कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का. 80 मार्क्स हम यहां पढ़ेंगे, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल.
अब 80 मार्क्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू बुक्स, 80 मार्क्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू बुक्स, बुक वन बुक टू, बुक वन बुक टू। बुक वन के अंदर 8 चैप्टर है, बुक टू के अंदर 4 चैप्टर है। बुक वन का वेटेज 50 मार्क्स है, बुक टू का वेटेज 30 मार्क्स है। अब आप सोच रहोगे सर 8 चैप्टर 50 मार्क्स, 4 चैप्टर 30 मार्क्स, यहां पे 4 चैप्टर है फिर भी एक बुक। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इतने ही साइज की बुक वन भी है, पर ये जो 4 चैप्टर है ये बुक वन के भी भारी है, क्योंकि ये पूरे प्रैक्टिकल है। आप सोचते हो कि बिजनेस स्टडीज में प्रैक्टिकल, जी बिजनेस स्टडीज के अंदर भी प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल्स है। एक चैप्टर क्या है, एक चैप्टर का नाम है स्टॉक मार्केट वाला चैप्टर है, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है वो भी सीखेंगे, पूरा प्रोसीजर समझेंगे। इतना समझ आया? एक चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि मार्केटिंग कैसे करते हैं। आपने देखा होगा ना, अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो अमन गुप्ता किसका हेड है, वो मार्केटिंग का हेड है। तो वो हम देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट का क्या नाम है, तो क्यों नाम आया, इसके पीछे रीजन क्या था, उसको बेचेंगे कैसे। अब मुझे बताओ ये सब तुम पढ़ने वाले हो, भले ही पढ़ोगे थ्योरी, लेकिन है टोटली पीछे क्या, प्रैक्टिकल। ये समझ आया? चलो आज जिस चैप्टर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उस चैप्टर का नाम है, आपको दिख भी रहा है, आपको क्या नाम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले किसके घर में बिजनेस है, ठीक है। अच्छा चलो अगला सवाल, किसको बाद में बिजनेसमैन बनना है, या मैं बोलूं शार्क टैंक के बाद एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का बिजनेस करना है। हाँ तो संजय बोला नहीं, कोई नहीं, पापा के कलिंग करना तो बिजनेस ही है, ठीक है सर, वो ही इतना बड़ा है, नया खुद का क्या सोचे, ठीक है करेक्ट। तो उनको तो बिजनेस स्टडीज और अच्छी लगने वाली। अच्छा सबसे पहले सवाल, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा 11th का, फिर 11th की बिजनेस स्टडीज को भूल जाएंगे। 11th की बिजनेस स्टडीज आती हो नहीं आती हो कोई दिक्कत नहीं है, 12th से कुछ भी उसका रिलेशन नहीं, उसका 12th से बिजनेस स्टडीज से कोई भी वास्तविकता नहीं है। अगला सवाल, एक ही सवाल पूछूंगा केवल जो 11th में पढ़ा है, सर व्हाट इज बिजनेस, ए हिंदी में कोई नहीं बोलेगा सर धंधा व्यापार, आंसर इन वन वर्ड नहीं पूछ रहा हूं, बिजनेस क्या होता है ये पूछ रहा हूं, रेज हैंड। यशवंत, इकोनॉमिक और दैट इज कवर्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली ऑन डेली बेसिस, ठीक है। करेक्ट, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट एंड विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चार बातें, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट, रेगुलर बेसिस एंड एक्सचेंज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपको पता है, ये भी आपने 11th में बिजनेस स्टडीज में भी देखा है, 11th की स्टैटिस्टिक्स में भी देखा है। इसके अलावा अभी पार्टनरशिप का लेक्चर होगा तो उसमें भी आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है वो देखा होगा। तो ये तो हुआ, प्रॉफिट क्या होता है वो हमें पता है, दैट इज सेल माइनस कॉस्ट, दैट इज माय प्रॉफिट। ऑब्वियसली बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, हाय ना, ठीक है। तीसरी बात, ये रेगुलर बेसिस उस पर क्यों इंपॉर्टेंस है, सपोज करिए ना सर प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए घर वालों ने कुछ दिलाया वो मैंने बेच दिया जाके, प्रॉफिट तो हुआ ना सर, मेरे तो घर जेब से 0 रुपया लगा था मैंने बेच दिया, लेकिन क्या मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूं, ऑलवेज राइट, ठीक है। तो इसलिए वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। और एक एक्सचेंज की बात थी, चलिए भूल जाइए, अब 11th की बिजनेस स्टडीज चालू हो रही है, 12th की बिजनेस स्टडीज आ जाइए। चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप अपने सीनियर से ही पूछोगे तो उनकी रातें खराब करता है, इतना हार्ड चैप्टर है।
सबसे हार्ड चैप्टर हमारे 12th बिजनेस स्टडीज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है, पूरा प्रैक्टिकल है, इसी के अंदर न्यूमेरिकल्स भी है। अब चैप्टर के दो वर्ड है, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जिसको आए वो रेज हैंड करिए और बताइए फाइनेंशियल से आप क्या समझते हैं, फाइनेंशियल से क्या समझते हैं। रेज हैंड, रेज हैंड करने का मतलब नहीं समझता कि? नहीं, ओनली द वर्ड फाइनेंशियल, इरिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस, नथिंग, मनी, पैसा, मनी, वेल्थ, फंड्स, करेक्ट, ठीक है। अब एक बात समझिए, फाइनेंशियल से, इन शॉर्ट फाइनेंशियल वर्ड कहां से आया होगा, फाइनेंस से। फाइनेंस को आप सब क्या कह रहे हो, मेजॉरिटी लोग मनी, लेकिन जब हम बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, हमें बिजनेस कोई 1 करोड़ 2 करोड़ वाला नहीं करना है, हमें बिजनेस करना है, अगर बनाना है तो हमारे को हमारा खुद का एक एम्पायर बनाना है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ का एम्पायर बनाना है। तो जब 1000 2000 करोड़ की बात आती है तो मनी की बात नहीं आती, किसकी बात आती है, फंडिंग की बात आती है, जो शार्क टैंक में भी होता है। वो किसके लिए आते हैं, वो ऐसे बोलते हैं क्या, शार्क गिव अस मनी, वो फंड में बोलते हैं, है ना। तो फाइनेंस को अच्छे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फंड्स, क्या बोलते हैं, फंड्स। और अब अगला सवाल, मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जो आप समझो हिंदी में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट से आप लोग क्या समझते हो, रेज हैंड करिए, मैनेजमेंट से अरेंजिंग, ठीक है। तू ऐसे क्या समझ रहा है, मैनेजमेंट से क्या समझते हैं, बेसिकली मैनेजमेंट से क्या समझते हैं, संभालना, ठीक है। कैसे संभालना, मतलब पैसे उठाना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है। तनिष मैनेजर, ठीक है। और इंप्लॉय मतलब मैनेजमेंट, वाह। आर्यन, ठीक है। एंड तनिष, दो तनिष क्या है, दो तनिष, जब मैं उधर वाला तनिष, इधर वाला तनिष, उधर वाला तनिष, हाँ संभालना, अरे अरे ठीक है ठीक है। वेदांत, हाँ थोड़ी बहुत सही, डिसीजन मेकिंग। अब एक बात समझो, ये मैनेजमेंट है ना पूरी 12th बिजनेस स्टडीज में हर जगह है, क्यों, क्योंकि हमें बिजनेस चलाना है, तो चलाने के लिए बिजनेस क्या करना पड़ेगा, मैनेज। ए तुमने कुछ घर में कांड कर दिया, तुमने कुछ घर के अंदर कांड कर दिया, तो सबसे पहले तुम क्या करते हो, मम्मी पापा तक बात ना पहुंचे के लिए भारी चीजों को मैनेज, भाई तू बोल देना कि मैं तेरे साथ ही था, ये तुम क्या कर रहे हो, मैनेज। अब एक बात समझिए, बुक 2 के अंदर 2 चैप्टर है, एक चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बुक 2 के अंदर एक और चैप्टर है जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो वहां भी मैनेजमेंट आ रहा है। बुक 1 जो है ना, सुनो क्या बोला मैंने, बुक 1 में 8 चैप्टर है, बुक 1 में कितने चैप्टर है, 8 चैप्टर, उसमें से 7 चैप्टर मैनेजमेंट पर है, उसमें से 7 चैप्टर मैनेजमेंट पर है। अब अगली बात, आप सारी चीज देखिए, बीबीए करिए, एमबीए करिए, सब में मैनेजमेंट ही सिखाया जाता है, आप सुन रहे हो, उसको बोलते भी क्या है, मैनेजमेंट स्टडीज, तो उससे आपको समझ आना चाहिए कि मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये हम 12th के बिजनेस स्टडीज के बुक 1 के अंदर चैप्टर 1 में देखेंगे उसकी डेफिनेशन, लेकिन उसको मैं पहले यहीं पे लेकर आ रहा हूं क्योंकि तभी आपको आगे चीजें समझ आएगी। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे रखी है सर, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड efficiently, effectively and efficiently. Now, what is management? So, management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Chapter number 1 की सबसे पहली 2 लाइन यही है और ये डेफिनेशन है जो आपको वैसे भी याद करनी है। अब देखिए डेफिनेशन में क्या बोला सर, क्या है, ध्यान दीजिए इधर, प्रोसेस है एक गेटिंग थिंग्स डन
विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट में होता क्या है, जैसे सागर ने एक बात बोली थी सर एम्प्लॉय करना लोगों को, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में मैं खुद मैनेजमेंट कर रहा हूँ क्या, मैं लोगों के थ्रू मैनेज कर रहा हूँ। इवेंट मैनेजमेंट वाला काम देखा है कभी, वो भी होता है ना मैनेजमेंट, तो उसमें क्या होता है शादी आपकी अरेंजमेंट मैनेजमेंट हम करेंगे। अब मुझे बताओ मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ, अब मान लीजिए मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ, मैं मालिक हूँ कंपनी का, तुमने कभी मालिक को तो देखा है क्या तंबू गाड़ते हुए? नहीं ना, वो अपने इंप्लॉइज के बोलता है ये काम यहाँ करना है ये काम ये करना है, तो इसलिए क्या बोला, इसलिए देखो बात आई ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। सोनू के टीटू की स्वीटी देखी हो तो उसमें वो इवेंट मैनेजर ही होता है। अगर तुम्हें पिक्चर की स्टार्टिंग है तो बोले प्लेट 1000 की पड़ेगी एक, आया ना, तो वही है। तो वो खुद बना रहा था क्या खाना, या प्लेट भी खुद लेके आया था, लोगों से काम करवा रहा था ना, तो इसलिए डेफिनेशन का पहला पार्ट क्या है, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब जो भी काम है वो लोगों से करवाना है, और वो कैसे करवाना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो डेफिनेशन में दो वर्ड तो ये है क्या, एक तो है इफेक्टिवली, एक है एफिशिएंटली, और एक और वर्ड है प्रोसेस। अभी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस अभी दो मिनट के लिए समझ लीजिए क्या है। प्रोसेस कुछ नहीं है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। मैंने क्या बोला, प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन, जो हमारी बुक 1 के 5 चैप्टर भी है। अब उस पर बात करेंगे, पहले समझिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का क्या मतलब है, कुछ आइडिया क्या इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, क्या ये सेम सेम है, क्या ये सेम सेम है, या अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ कैसे अलग अलग है ये मैं बोला सर, स्पेलिंग अलग है एक दो। इफेक्टिवली मतलब कुछ इफेक्ट पड़े, एफिशिएंटली मतलब कुछ एफिशिएंट पड़े। आहा हाँ हाँ सही बोला सही बोला, और एफिशिएंटली में मेहनत से काम करेंगे। अच्छा वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, चलिए हाँ हाँ ध्रुव करेक्ट, समझो वेरी गुड वेरी गुड, समझे। अब एक मिनट दो मिनट समझो समझो, इधर आओ ए इधर आओ। इफेक्टिवली मतलब सर जो भी आपको काम दिया है उस काम को एक टाइम फ्रेम होता है, एक घर वाले बोलते हैं ना बेटा बाजार से लेके आ जाना 7 बजे तक, हर काम के साथ एक टाइम फ्रेम आता है ना। मैंने बोला कल होमवर्क करना है कल क्लास से पहले, तो टाइम हो गया ना एक। तो अगर वो काम जो भी काम था वो तुमने टाइम पे कर लिया तो तुम क्या कहलाओगे, इफेक्टिव। क्या कहलाओगे, इफेक्टिव। इन शॉर्ट वट एवर द वर्क वॉज वट एवर द गोल वॉज, अगर उसको आपने टाइम में अचीव कर लिया तो उसको हम कहेंगे इफेक्टिव। अब टाइम पे काम करने के लिए ज्यादा कॉस्ट लगे उससे मतलब नहीं है, काम टाइम पे हुआ तो इफेक्टिव। मतलब समझो मैंने तुम्हें एक टारगेट दिया कि भैया ये होमवर्क कर लेना, 100 क्वेश्चन दिए कि ये 100 क्वेश्चन सैटरडे तक कर देना, तुमने फ्राइडे तक मारी ऐश, फिर फ्राइडे शाम में तुम्हें रियलाइजेशन हुआ कि गए काम से होमवर्क नहीं हुआ तो कल क्लास में तो बैठने को नहीं मिलेगा, इसके अलावा ये होमवर्क 3 बार और करना पड़ेगा, 100 हो गए 300। तो अब तुमने क्या बोला, ये बचने के लिए मैं किसी और को काम दूंगा और उसको रोकड़ा दूंगा, ये ले ये तू कर। अब तुम्हारा काम तो हो गया लेकिन इट कॉस्ट में हुआ, हाया ना, तो इसलिए इस काम को क्या बोलेंगे, इफेक्ट। आप काम से तो बच गए, लेकिन मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया सर, काम तो हो गया लेकिन उसके लिए पैसे जेब से ज्यादा लग गए। अब मुझे बताओ बिजनेस में केवल काम टाइम पे अचीव हो जाए और उस चक्कर में लोग बढ़ते जा रहे कॉस्ट बढ़ते जा रही है, बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए गोल को एक और एक लॉजिक आया, कौन सा दूसरा एस्पेक्ट आया, दैट इज एफिशिएंटली। मतलब उस काम को करना है बिल्कुल कम कॉस्ट पे, कम कॉस्ट। अब कम कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि चिंदीगरी कर दी क्वालिटी खराब कर दी, वो नहीं, क्वालिटी सेम लेकिन विद लीस्ट कॉस्ट। मतलब हमें पूरी बढ़िया बुद्धि सिंधी बुद्धि से काम करना है, हाँ ना, हाँ हाँ ठीक है करेक्ट। तो कहने का मतलब अगर किसी काम को करने के लिए पहले 100 रुपए लग रहे थे, तो अगर मैं वो काम बार बार करता जाऊंगा तो मैं प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं एफिशिएंट हो जाऊंगा और मेरे काम
टाइम कम लगेगा। ऐसे समझो खाना किस किस को बनाना आता है, थोड़ा बहुत भी, मैगी नहीं, शाबाश। अब समझिए, मान लो आप फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो, फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो, मान लो, अरे मैकेन्स के फ्रेंच फ्राइज नहीं कि बेटा यू डाला फ्रेंच फ्राइज बन गए, उसको कुकिंग नहीं कह रहे। हाँ, अब मान लो तुम फ्रेंच फ्राइज खुद बना रहे पूरे, मतलब आलू है, अब तुम्हें चाकू भी चलाना नहीं आता, तो मान लो तुमने पहली बार अगर तुम किचन में कभी गए होगे तो तुम्हें पता होगा, तुमने चाकू मारा होगा उस आलू पे, तो वो दो चार उड़ते हुए इधर भी जाएगा, दो चार बार उड़ते हुए उधर जाएगा, फिर वो इतनी ऐसी जगह उड़ जाएगा कि उसको यूज नहीं कर पाओगे, तो वेस्टेज होगी नहीं होगी। तो मतलब तुमने पहली बार इधर से आलू डाला, यहां से 10 फ्रेंच फ्राइज की स्लाइसेस लिख ली। अब लेकिन मुझे बताओ, अब दूसरी बार, तीसरी बार, जब चौथी बार, पांचवी बार बनाओगे, क्या अब भी वेस्टेज करोगे क्या? अब थोड़ा तो आ जाएगा, क्या हुआ? तो कहने का मतलब, सर पहले एक आलू डाला तो 10 पीस निकले, 10 स्लाइस निकले, सोना नहीं निकलता। अगर यही चीज तुमने 4-5 बार कर ली तो फिर एक आलू से 15 स्लाइस निकले। क्यों? क्योंकि वेस्टेज नहीं हो रही। तो यहां पे क्या हुआ, सर सेम इनपुट से ज्यादा आउटपुट हो गए, तो आप क्या हो गए? एफिशिएंट हो गए। ऐसे समझो, स्टार्टिंग करी पढ़ाई करने की, लेकिन ऐसे पढ़ते तब कुछ नहीं आता, लेकिन एग्जाम टाइम पे एक रात पहले दिमाग चलता है 10x स्पीड पर, सब समझ आने लग जाता है, फिर आपको लगता है यार ये मुझे साल भर ही नहीं आ रहा था, तब आपका दिमाग क्या हो गया? एफिशिएंट। दूसरा लॉजिक समझो, कोई चैप्टर को पहली बार पढ़ते हो, बहुत सारे लोग थे रिलेट नहीं कर पाएंगे कि पहली बार तुमने पढ़ाई करी तो उसमें 10 दिन लगे, दूसरी बार पढ़ाई करी उस चैप्टर को करने में 5 दिन लगे, तीसरी बार पढ़ाई करी उस चैप्टर को पढ़ने में 2 दिन लगे, एग्जाम वाले दिन एक ही दिन में 10-10 चैप्टर करके जा रहे, तो ये क्या हो रहा है? आप बार बार कोई चीज करते हो, यू बिकम एफिशिएंट। तो ये तो हुआ मैनेजमेंट। अब चलिए, तो इन शॉर्ट मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट करना, इन शॉर्ट में बोलूं तो मैनेज करना, कैसे मैनेज करना? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अगर मैं साथ में इस चीज को जोड़ दूं, फंड्स को मैनेज करना, तो मतलब ये चैप्टर मुझे क्या बताने वाला है? हाउ टू मैनेज माय फंड्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब पैसा कहां से लाऊंगा, पैसा कहां लगाऊंगा, कमा लिया तो क्या करूंगा, ये पूरा चैप्टर है कि पैसा कहां से लाना है, पैसा कहां लगाना है, पैसा कमा लिया तो फिर कमाने का क्या करना है। हाया ना, तो यही हमारा चैप्टर है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम यही 3 चीज सीखने वाले हैं। क्या सर? पैसा कहां से लाना है, पैसा कहां लगाना है, पैसा कहीं से लाए, पैसा कहीं लगाए, फिर कुछ कमाया तो उस कमाई का क्या करना है, यही हम इस चैप्टर में देखने वाले। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यही देखने वाले, तो ये टफ चैप्टर कैसे? अरे ये जो 3 बातें हैं ये कैसे करनी है, किस बेसिस पे करनी है, वही मैं इस चैप्टर में समझना है। ये तुम्हारा ये नहीं हो रहा कि पापा या मम्मी से 500 रुपए अरेंज करने, फिर पार्टी करनी है, फिर बच गए तो अगले दिन और कुछ करूंगा, ये वो नहीं है। यहाँ पे 1000 करोड़ का पैसा आपको लेके आना है, तो 1000 करोड़ कहां से लाने, किस बेसिस पे लाने हैं, फिर उसको कहां लगाना है, फिर कमा लिए 1000-2000 करोड़ तो उसका क्या करना है। इसीलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, समझा क्या? तो पहली बात तो बिजनेस स्टडीज पढ़ते हुए खुद के विजन को बड़े लेवल पे करना है, छोटे लेवल का बिजनेस नहीं चला रहे हम, बड़े लेवल का बिजनेस चला रहे, समझा? चलिए तो आ जाइए इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहली लाइन लिखिए, सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स। सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स। इन्वेस्टेड इन एसेट्स मतलब एसेट्स में कहां पे इन्वेस्ट कर सकता हूं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, शाबाश करेक्ट। तो भाई इन शॉर्ट सक्सेस बिजनेस की डिपेंड करेगी किस पे, कि आपने पैसे को कहां लगा रखा है, किस तरीके से एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। ए तुम्हारे सपना आता होगा ना, भैया सोचते होगे जब पता चलता होगा कि दादाजी की जमीन यहां थी, उन्होंने ऐसे ही दे दी, आया ना, ये ऐसी जमीन चल गई, या कितनी बार ऐसा सुना होगा ना, इनका तो पुराना पैसा चले आ रहा है, इनका तो पुराना पैसा
चले आ रहा है, ये तो पुराना पैसा कैसे चले आ रहा है, क्योंकि उन्होंने उस राइट टाइम पे सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया था। तो इसलिए लाइन क्या है, सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंसेस इन्वेस्टेड इन एसेट्स, और एक और वर्ड है यहाँ पे कौन सा, एंड ऑपरेशन। ये ऑपरेशन मतलब क्या, डॉक्टर वाला है क्या? तो ये ऑपरेशन क्या है, ये ऑपरेशन क्या है, बिजनेस ऑपरेशन। नो व्हाट इज बिजनेस ऑपरेशन, ऑपरेशन एक इतनी बड़ी फील्ड है बिजनेस की जो सब कुछ देखती है, सब कुछ देखती है। मतलब मान लीजिए मैं ये मार्कर बनाता हूँ, तो ये मार्कर अपने आप तो नहीं बनता होगा, कहीं से रॉ मटेरियल लेके आता हूँ, तो रॉ मटेरियल मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, वो मैनेज करना, रॉ मटेरियल को पेन के अंदर कन्वर्ट करना, फिर उसको बेचना, ये पूरी प्रोसेस क्या है एक बिजनेस की, ऑपरेशंस। तो अगर इसके अंदर भी मैंने ढंग से इन्वेस्ट कर रखा, ढंग से इन्वेस्ट कर रखा मतलब जो ऑपरेशंस की प्रोसेस है, अगर उसको ढंग से उसके अंदर पैसा लगाया, ढंग की मशीन लगाई है, ढंग के लोग रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिलेगी, सक्सेस। आप देखिए ना, ये मैकडी हुआ, डोमिनोज हुआ, ये सब इसने अपना ढंग से पैसा किसके अंदर लगाया है, ऑपरेशंस के अंदर। पूरी मशीन ऐसी है, हर बार फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट सेम क्यों आता है, एक क्योंकि रॉ मटेरियल से जहां से आएगा वो भी ढंग से इन्वेस्टेड है, आलू कौन से आएंगे वो भी इन्वेस्टेड है, कहां से आने वाला है, फिर वो आलू को फ्रेंच फ्राइज कैसे बना देगा, उसकी मशीन भी सेम है, पूरे इंडिया में कहीं चल जाओ फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट सेम आता है, और आपको कैसे टेक अवे पे 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इतना सारा ऑर्डर मिल जाता है, तो बेचने का भी पूरा ऑपरेशंस पे पैसा इन्वेस्टेड है, राइट है ना। बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझो ना, उन्होंने इस तरीके से काम कर रखा है कि आपने कभी मैकडी पर मालिक नहीं देखा होगा, देखा कभी मैकडी डोमिनोज बर्गर किंग कहीं मालिक देखा, उनके लोग ही काम कर रहे थे भैया, क्यों, क्योंकि इतना जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर रखा है, रोज उधर 1 लाख 2 लाख का गल्ला हो रहा है, लेकिन मालिक देखने भी नहीं आ रहा है। आपके घर में बिजनेस हो, दुकान पे 2 लाख पड़े हो, पापा या मम्मी जो भी बिजनेस संभालता है या भाई छोड़ के नहीं आएगा, बोले तू देख ले देखो जो करना है ना, या घर खाली नहीं रखा जाएगा, कोई तो घर के अंदर रहा जाएगा, क्यों है इसका लॉजिक, एक वो उधर क्यों नहीं है, पैसा उधर कमा रहे हैं भाई, क्योंकि पैसा कैसे ढंग से ऑपरेशंस के अंदर इन्वेस्टेड है। ठीक है, अगली बात बोली, and how timely and cheaply the finances are arranged, क्या बोला, how timely and cheaply, दो वर्ड आए कौन से भाई, timely cheaply, cheaply पे तो बाद में आते हैं, पहले timely पे आते हैं। timely का मतलब भाई समझे, ऐसा समझो कोविड में सबको एक बिजनेस आइडिया आया, क्या आया, मास्क लगवाला या फिर सैनिटाइजर वाला, मेरे दिमाग में भी आया मान लो, अब मेरा दिमाग में आया कोविड मार्च 20 में आया, मेरे दिमाग में आइडिया गया अप्रैल में, मतलब अब ये चीज लगा देते हैं, तब मैं भागने गया पैसे अरेंज करने गया, तब मैं पैसे अरेंज करने गया, पैसे अरेंज ही नहीं हुए, फिर वो इंसान 6 महीने बाद मुझे फोन करके बोलता है, हाँ अंशुल जी ले जाओ 500 करोड़, अरे अब क्या करूं, अब तो मार्केट में खूब सारे सैनिटाइजर वाले आ चुके हैं, खूब सारे मास्क वाला आ चुके, अब बिजनेस डालूंगा कोई चलेगा नहीं, इसलिए क्या बोला, पैसे की जब जरूरत हो तब वो अरेंज हो जाना चाहिए, ये वो दोस्त नहीं होना चाहिए जिसको पैसे दे दिए फिर वो उठा नहीं रहा, हाँ या ना, करेक्ट। तो पैसा क्या होना चाहिए, टाइमली अरेंज, क्यों, क्योंकि जब रिक्वायर्ड है तब होना चाहिए, अरे हाँ या ना। दूसरी बात आई, इट शुड बी चीपली अरेंज, इट चीपली मतलब लेस कॉस्ट पे, लेस कॉस्ट पे, सस्ते में पैसा आना चाहिए, ये साफ सी बात है, महंगे में पैसा आएगा तो भाई मैं वो ब्याज ही चुकाते रह जाऊंगा और बिजनेस का हाल खराब हो जाएगा, ब्याज में मर जाएगा आदमी पैसा चुकाते चुकाते, समझा गया। मान लो मैंने 1000 करोड़ की फंडिंग उठाई, 20 मुझे इंसान मिल गया देने के लिए, बोले हाँ अंशुल भाई 1000 क्या 2000 खोखा लेके जाओ 25% पे, अब मैं 25% पे ले गया क्या, अरे भाई महीने के 250 खोके थे मैं उनको दे रहा हूँ, ब्याज ही चुका रहा हूँ, क्या कमाऊंगा, तो पैसा तो मिल जाएगा, अरे लेकिन अब है समझ कि सर पैसा लाने में क्या सोच है, पैसा लाने में सोच है कि पैसा कम कॉस्ट पे आना चाहिए, आया ना। ठीक है, फिर अगली बात क्या आई, चीपली द फाइनेंसेस अरेंज फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन द बिजनेस, मतलब पैसा कहां से लाना है,
आउटसाइड या फिर विद इन द बिजनेस। अब आउटसाइड मतलब तो बोरोड फंड्स, आउटसाइड मतलब बोरोड फंड्स, और विद इन मतलब ओनर्स फंड्स। अगला सवाल, बोरोड फंड्स के एग्जांपल, बोरोड फंड्स के एग्जांपल, एक सेकंड, लोन, अरे रुक जा रुक जा, डिबेंचर्स और क्या, बैंक्स हो गया ना, लोन बैंक से, हाँ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट। अब नाउ अंडरस्टैंड, ट्रेड क्रेडिट केवल वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, फाइनेंशियल्स की, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग, अरे लीज फाइनेंसिंग से तो केवल जमीन मिलेगी रे, पैसा नहीं मिलेगा। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ठीक है, और चलो इतना काफी है, ये हुए बाहर के पैसे। ओनर फंड्स, इक्विटी शेयर्स, राइट, इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर ले लो, प्रेफरेंस शेयर ले लो, और एक सेकेंड क्या, रिटेन्ड अर्निंग्स। ओहो, अगला सवाल मेरा आने वाला है सर, ये रिटेन अर्निंग्स क्या है? रीजन रीजन, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ए इसे तो समझ ही नहीं आया, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बात तो उसने सही बोली, आंसू आ गए। हाँ वेदांश, अरे इसने फिर एक गलत बात बोली, क्या गलत वाली, कोई मुझे बता सकता, पार्टनर्स, एक कंपनी में पार्टनर नहीं, शेयर होल्डर। सेम भाई, इन शॉर्ट कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से वो जो पैसा एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, डिविडेंड किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर होल्डर्स को, तो जो प्रॉफिट उसने खुद के लिए बचा लिया अगले साल के लिए उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग्स, प्रॉफिट बचा लिया इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इसको इंटरनल फाइनेंसिंग या सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं, हाँ है ना। अब मुझे बताओ रिटेन अर्निंग्स की कोई कॉस्ट है क्या? वैसे तो कोई कॉस्ट है ही नहीं, रिटेन अर्निंग्स की कोई कॉस्ट है क्या? ना इस पे डिविडेंड देना, ना इस पे ब्याज देना, ये तो खुद का ही पैसा है, लेकिन इसकी फिर भी एक कॉस्ट है जिसको सब नजरअंदाज कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ए मैंने खुद ने तो ले लिया, लेकिन ये पैसा मैं किसी को और को देता तो मुझे तो ब्याज मिलता, जो इसको लोग इग्नोर कर देते, वो ये करना नहीं है। तो अब एक बात, हमने क्या देखा, सर सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड ऑपरेशंस, एंड हाउ टाइमली एंड चीपली द फंड्स आर अरेंज फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन। तो इन्वेस्टेड इन एसेट्स के उधर आप लिखो नोट्स के अंदर, बुक के अंदर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऊपर सबसे उधर ही लिखना, ए नीचे मत छोड़ लिखना, नीचे मैंने जगह इंटेंशनली छुड़वाई है, वहां पर कुछ और लिखवाऊंगा बाद में। इन्वेस्टेड है ना सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन में, वहां लिखिएगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, चीपली के उधर लिखना लेस कॉस्ट, चीपली के उधर लिखना एट लेस कॉस्ट, आउटसाइड के उधर बोरोड फंड्स, विद इन के उधर ओनर्स फंड्स, और ये एग्जांपल्स लिख दीजिएगा। क्या चलो, अब अगला टॉपिक आया, अगला टॉपिक आया, अगला टॉपिक आया, बिजनेस फाइनेंस।
तो आपने एक बात सुनी होगी, फाइनेंस इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. फाइनेंस इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. ऐसा क्यों? रीजन, ऐसा क्यों? क्यों फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कह रहे हैं भाई? करेक्ट. जैसे खून के बदले बदले के सॉरी खून नहीं होगा तो हम रुक जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे. सिमिलरली बिजनेस के अंदर पैसा नहीं होगा तो बिजनेस रुक जाएगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड. कोविड में क्यों बिजनेस बंद हुए या रुक गए? क्योंकि तब पैसे का जो रोटेशन था वो रुक गया था. सब यही तो बोलते थे, अरे भाई आगे की पार्टी से पैसा नहीं आया तेरे को कैसे पैसा दूं? क्योंकि आगे की पार्टी से पैसा नहीं आया तो तेरे को कैसे दूं भाई, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, तेरे को कैसे पैसा दूं? हाँ या ना? तो इसीलिए फाइनेंस को क्या कहते हैं? लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. अगली बात आई, सर व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? तो बिजनेस फाइनेंस इज मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. देखो द लाइन भी लिखी हुई है, मनी रिक्वायर्ड अंडरलाइन करना टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर सम बिजनेस फाइनेंस. अब नोट्स को पलट दो. मेरा आप सबसे सवाल है, पैसा बिजनेस में कहां कहां चाहिए? हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. तुम बिजनेस चाल डाल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में आइडिया, तुम सोचो तुम्हें कहां कहां के लिए पैसा चाहिए. रेजन रेजन लैंड, मशीनरी, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, लेबर. हाँ जसदीप, ए पापा दुखी हो जाएंगे तू इसमें आंसर नहीं देगा, पैसा क्यों चाहिए? हाँ बिल्डिंग, ठीक है. एक जो ध्रुव ने लाइन बोली, क्या बोली ध्रुव? ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं बोलूं, टू स्टार्ट अ बिजनेस पैसा चाहिए, टू रन अ बिजनेस पैसा चाहिए. उसने एक बात बोली मॉडर्नाइजेशन, उसके लिए पैसा चाहिए. एक बात बोली एक्सपेंशन, उसके लिए पैसा चाहिए. ए, पहले तो इसने एक बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मॉडर्नाइजेशन. तो ये मॉडर्नाइजेशन क्या है? हमारी सोच को मॉडर्न करना, अपडेशन, सम्यक, टेक्नोलॉजी अपग्रेड. आप समझो, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, रेस्टोरेंट्स. रेस्टोरेंट्स विद टाइम टू टाइम दे कीप ऑन चेंजिंग देयर इंटीरियर, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर एम्बियंस. वो क्या कर रहे हैं? टाइम टू टाइम, मतलब एक तरीके से बोलो तो मॉडर्नाइजेशन को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो रेनोवेशन से. हाँ है ना? अब उसके लिए पैसा चाहिए. बेस्ट एग्जाम्पल ले लो, जैसे MM अभी रेनोवेट हुआ, एक साल होने को आ गया लेकिन रेनोवेट हुआ, मॉडर्नाइज हुआ पहले से. अभी हैवमोर जो था वो 1944 हॉको किचन बन चुका है, हैवमोर का एक और अपडेटेड वर्जन, तो उसके लिए मॉडर्नाइज हुआ. हया ना? AS इंस्टीट्यूट ने दीवार तोड़ के दीवार पीछे कर दी, उसके लिए पैसा लगा. जो जो इस क्लास में बैठे उनको पता है बात, देखो यहां से ये यहां आ चुकी है. हया ना? करे क्या? तो उसके लिए मॉडर्नाइज हुआ, एक्सपेंशन, उसके लिए पैसा चाहिए. अब इधर एक वर्ड आया एक्सपेंशन. अब सुनना, इधर मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, डाइवर्सिफाई या डाइवर्सिफिकेशन. एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन. मेरा सवाल, क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों अलग? एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन. एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, क्या सेम या अलग? पहले तो सेम वाले रीजन करो, अलग वाले तो सभी हो गए फिर. ठीक है, तो कैसे अलग है ये? सोचो सोचो और बताओ. और डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ में नहीं आता? ए तुम ऑड इवन कर लो और बता दो. Yeah.
बात उसने नॉर्मल तरीके से बोली, लेकिन उसने जिस तरीके से बात बोली उससे मुझे हंसी आई। ये बोले सर एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना और डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग करना, तनीष बोले ए वो डिवीजन होता है। हाँ अब एक बात समझो, और कोई कोई और संजय क्या बोला था? बहुत ही अच्छी बात, अब सुनना, एक्सपेंशन इज ग्रोथ इन सेम लाइन, डाइवर्सिफिकेशन इज डिफरेंट लाइन। समझो समझो, अभी एक बहुत मस्त एग्जांपल देता हूं तुम्हें समझ आएगा। मान लीजिए एएस इंस्टीट्यूट है, एएस इंस्टीट्यूट की मैंने ब्रांच खोली गोवा में, कहां पे? गोया में। तो वो तो क्या हो गया? एक्सपेंशन। ए ब्रांच खोली ना एक और, वो क्या हुआ? एक्सपेंशन। सेम लाइन में, वो क्या हुआ? सेम लाइन में। लेकिन अब ऐसे बच्चे थे तो मैंने देखा यहां पे पढ़ाई का स्कोप कम है, मैंने एस इंस्टीट्यूट की ब्रांच के ऊपर एस इंस्टीट्यूट का बाहर खोल दिया, वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन। वो क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अब समझो, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला सेम लाइन, ग्रोथ दोनों जगह है, दोनों जगह बिजनेस में पैसा कमा रहा हूं। गोवा में एक और ब्रांच खोली, केवल वो एक्सपेंशन। एक गोवा में ब्रांच के साथ बाहर कि बोले जो होमवर्क नहीं करेगा वो ऊपर नहीं जाएगा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन। समझा क्या? ये बात समझ आई? तो एक्सपेंशन इज ऑलवेज इन सेम लाइन, डाइवर्सिफिकेशन इज इन डिफरेंट लाइन। ठीक है, समझा क्या? ए बेस्ट एग्जांपल देख लो, रिलायंस। रिलायंस पूरा बिजनेस ही डाइवर्सिफिकेशन पर है। केवल पहले कपड़ों से चालू किया था, सबसे मेन काम उनका टेक्सटाइल था, उसके बाद ऑयल में गए, फिर टेलीकॉम पे गए, आज की तारीख में जियो भी है, ऑयल भी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में, स्पोर्ट्स में भी है। तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा आप सबने क्या बोला था? और क्यों क्यों चाहिए पैसा? सर फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, लैंड मशीनरी और सैलरी वगैरह, इन सब के लिए लेबर वगैरह। तो इन शॉर्ट में बोलूं, इसके अलावा पैसा चाहिए फॉर फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का एग्जांपल फिक्स एसेट्स बोले तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और इसके अलावा फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब रोज के खर्चे, डेली ऑपरेशंस, एग्जांपल सैलरी, रेंट, मार्केटिंग के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब, इसके लिए भी पैसा चाहिए। अब अगली बार फिक्स कैपिटल में भी दो तरह के एसेट हो गए, ए टेंजिबल इनटेंजिबल, इन सब के लिए पैसा चाहिए होगा। समझा क्या? चलो पढ़ते हैं। तो यूसेज ऑफ फाइनेंस बोला, सर टू स्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन अ बिजनेस, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई। ए मॉडर्नाइज क्यों था लिखो ना, रेनोवेशन। एक्सपेंशन क्यों था लिखो, एक्सपेंशन क्यों था लिखो, सेम लाइन। डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट लाइन। ए मेरा वाला एग्जांपल लिखना मत, वो बात अंजुल सर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, मेरा एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या? इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग अ वैरायटी ऑफ एसेट्स, मे बी टैंजिबल लाइक मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ऑफिस, और इंटेंजिबल सच एज ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज एक्सेट्रा। ऑल्सो फाइनेंस इज सेंट्रल टू रनिंग डे टू डे ऑपरेशंस लाइक बाइंग मटेरियल, पेइंग बिल्स, सैलरीज, कलेक्टिंग कैश फ्रॉम कस्टमर्स नीडेड एट एवरी स्टेज इन लाइफ ऑफ बिजनेस एंटिटी। यहां वाले इस पॉइंट की तो लिखो वर्किंग कैपिटल, और बाइंग वेराइटी ऑफ एसेट्स वाले पॉइंट की तो लिखो फिक्स्ड कैपिटल। भाई फॉर बाइंग वेराइटी ऑफ एसेट्स को तो लिखो फिक्स कैपिटल, और रनिंग डे टू डे वाले पॉइंट को तो लिख दो वर्किंग कैपिटल। चले आगे। चलिए अगला बोला अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ, सुनो ना इधर लाइन पढ़ो, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज थस वेरी क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगला सवाल मेरा आपसे है, एडिक्वेट फाइनेंस का मतलब क्या है? पर्याप्त पैसा। ओहो,
सफिशियंट पैसा। अगर मैं बोलूं मुझे 100 करोड़ की जरूरत है, मैंने क्या बोला, मान लीजिए मुझे 100 करोड़ की जरूरत है, मेरे को 150 करोड़ अरेंज हो गया। मैंने क्या बोला, 100 खोखे की जरूरत थी, 150 खोखा आ गया। देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो 150 करोड़, 50 करोड़ ज्यादा आ गया। तो ये अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात वाले रेजन करें, खराब बात। अब इसका आंसर है खराब बात, वाइट इज अ खराब बात। ये तुम सोच रहे हो पैसा आया, अरे मेरे भाई तेरे को पैसा 100 खोखे का चाहिए, तो तू लगाएगा तो 100 खोखा, तू 100 खोखा जो तूने लगाया वहां से पैसा तो चालू है और उसका मीटर भी चालू है, ब्याज जो चुकाना है। लेकिन जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा पड़ गया वो तो ऐसे ही पड़ा है खाली, अब वो खाली पड़ा है तो लेकिन उसका मीटर तो चालू है, मीटर चालू है मतलब ब्याज तो चालू है, पर वो इन्वेस्ट तो कहीं किया ही नहीं। अरे तो ऑब्वियस बात है ना, 100 करोड़ चाहिए थे, 150 करोड़ मिल गए, समझा क्या? इन शॉर्ट, आइडल फाइनेंस इज नॉट अ गुड सिचुएशन, समझा क्या? चलो अब लास्ट चीज आज की, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये डेफिनेशन हम याद करके जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, देखिए, कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। ए सर आप जब से आए हो तब से रोकड़ा 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 कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है एक बात तो आएगी क्या, मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। अब इसके बाद आई एंड इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटिंग टू, इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटिंग टू, सबसे पहला ये बोलो ना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू द ओनर। अब ध्यान देना, इसी पे पूरा चैप्टर है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। क्या बात बोली सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो फंड्स एंड इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो एक मीम, दैट इज माल किधर है पैसा कहां से लाएंगे, माल किधर है मतलब पैसा कहां से लाएंगे। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को मैं एक डिसीजन बोलता हूं जिसको मैं कहता हूं फाइनेंसिंग डिसीजन। अभी देखो ना, आप बोलोगे सर ये डिसीजन की बात क्यों आई, क्योंकि मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि पैसे के बहुत सारे ऑप्शन है, ये लेकिन सर लाना कहां से, वही उसने तभी तो ये मीम है क्या, माल किधर है। अब पैसा आ गया, पैसे को क्या यहां लगाना है, पैसे को ऐसी जगह लगाना है जिससे पैसा ही पैसा होगा, उसके लिए है हमारा सेकेंड मीम, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। राजू की तरह हमारे को पैसा इसी जगह लगाना है, 21 दिन में पैसा डबल मतलब पैसा ही पैसा होगा, मतलब पैसा आ गया, पैसे को लगा दिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब एक बात समझो सर, पैसा आ गया, पैसा लगा दिया, अब हमने कमा लिया, तो इधर मुझे अमित जी की याद आ रही है और मैं बोलना चाहूंगा, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का, मतलब पैसा कमा लिया, अरे उसका करना क्या है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। ए मुझे बताओ, हम बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हैं मतलब कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी का ओनर कौन, शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड। इसीलिए
इस डिसीजन का क्या नाम है? डिविडेंड डिसीजन. क्या नाम है? डिविडेंड डिसीजन. इसीलिए हमारे तीन मीम्स और तीन चीजें से हमारा पूरा मैनेजमेंट का चैप्टर समझ आना चाहिए. दैट इज व्हाट कंसर्न विथ. अरे साथ में बोलो सारे, कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ फ्लो फंड्स इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू. कितने डिसीजन है? तीन. रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू द ओनर्स. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कौन सा डिसीजन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स कौन सा डिसीजन? डिविडेंड. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स जो डिसीजन है उसका मीम कौन सा? माल किधर है. इन्वेस्टमेंट का मीम पैसा ही पैसा होगा, ऐसी जगह पैसा लगाना है जिससे पैसा ही पैसा होगा. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स कौन सा मीम है? क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का. तो इसकी एक मेमोरी टेक्निक, मैं आपको पूरी बिजनेस स्टडीज मेमोरी टेक्निक्स पर हटाऊंगा. डिसीजन है तीन, उसकी मेमोरी टेक्निक है एफ डी आई. एफ फॉर डी फॉर डिविडेंड, आई फॉर इन्वेस्टमेंट. समझा गया? एम टी इज मेमोरी टेक्निक. ठीक है क्या? वो नहीं है लेकिन ये वो हमारे लिए इकोनॉमिक्स में है. ठीक है क्या? वो वहां भी काम आएगा. अब जल्दी से एक आज क्या देखा, रिवाइज करते हैं. स्टार्ट किया हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हमने देखा सक्सेस ऑफ अ बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स एंड ऑपरेशंस एंड हाउ टाइमली एंड चीपली द फंड्स आर अरेंज फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस और विद इन द बिजनेस. ए चीपली मतलब लो कॉस्ट पे, टाइमली जब जरूरत, विद इन मतलब ओनर्स फंड्स, आउटसाइड मतलब बोरोड फंड. फिर हमने देखा सर बिजनेस फाइनेंस. ए बिजनेस फाइनेंस मतलब फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज. अगला सवाल सर पैसा क्यों क्यों चाहिए? रन, स्टैब्लिश, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन. एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन सेम है क्या? नहीं सर, सेम लाइन में. एक्सपेंशन अलग अलग लाइन में, डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, फिक्स कैपिटल के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, ए इधर उधर नहीं. ठीक है क्या? फिर हम आए डेफिनेशन पे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन सबको साथ में बोलनी है, याद करके जानी है. कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स. ये कितने डिसीजन है? कौन से? एफ डी आई, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट. समझा सबको? मिलेंगे कल. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.